मैं रेकी के थर्ड लेवल सीखी हुई हूँ, बट मैं भी एक हायर लेवल की अपग्रेडेशन करके एनर्जी को सीखना चाहता हूँ और लोगों का फ्री में सेवा भी करती हूँ, आगे और सेवा करना चाहता हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह की रामा सांग्यांग सिरा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, किडुंग पामुलेन जीवा में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम हैं यहाँ पे, ये साउथ अंडमान के फ्रारगंज है और वहाँ का ये मरियम्मा टेम्पल है, ये साइड में हूँ और इस टेम्पल का मैं थोड़ा आपको फ्रंट साइड भी दिखा दूंगा, बट इसके आइए इसको देखते हुए आगे चलते। एक सवाल का जवाब, एक सवाल आया है मेरे यूट्यूब चैनल में कि सर मैं रेकी के थर्ड लेवल सीखी हुई हूँ, बट मैं भी एक हायर लेवल की अपग्रेडेशन करके एनर्जी को सीखना चाहता हूँ और लोगों का फ्री में सेवा भी करती हूँ, आगे और सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आप ज़रूर सीख सकते हैं। और मैं इसके लिए रेकी सीखना भी ज़रूरी नहीं है, इल्मो गेंदम एक ऐसा कोर्स है कि अपने आप में संपूर्ण है। अगर कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर मैग्नेटिज्म या गेंदम या रेकी में पावरफुल कौन सा है, सबसे पहले वो भी जवाब मैं दे देता हूँ कि एज ए एनर्जी थेरापिस्ट मैंने कई सारी एनर्जीज को सीखा है, तो मैं छोटा बड़ा किसी को नहीं मानता, जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। और उसी प्रकार आपको भी अपनी अपग्रेडेशन करती रहनी चाहिए, जैसे रेकी में अपग्रेडेशन है, कुंडलिनी रेकी में अपग्रेडेशन है, उसी प्रकार मैग्नेटिज्म अगर अच्छे गुरु से सीख तो आपको अपग्रेड एनर्जी मिलेगी, और गेंदम सीखते हो तो अपग्रेड एनर्जी गेंदम सीखेगी। मैंने कोशिश की अपने लाइफ में कि जब भी कोई एनर्जी मुझे मिला मैं उनके मेन सोर्स तक जाने की कोशिश किया, और उसके चलते मैं आज इतना बता सकता हूँ कि मैं इल्मो गेंदम के मेन सोर्स से कनेक्टेड हूँ। और इस यह सोर्स ऐसा है कि मैजिकल साइंस है, जो कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि परियों का देश है, परियों की कहानी होती है, एक्चुअली ये रियल है, जो कि दिखता नहीं है, बट हम अपने ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं उनको, उनसे बात भी किया जा सकता है, उनसे मार्गदर्शन भी मिलते हैं। जैसे जैसे हम हायर लेवल की एनर्जी पे जाते हैं हमको वो गाइडेंस मिलने लगते हैं। तो जो सवाल है कि आपने रेकी लेवल 3 सीखा है, रेकी लेवल 3 का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इल्मो गेंदम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो। और इस कोर्स को करने का जो इसका जो डोनेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स से जब हम हायर एनर्जी को रिसीव करते, क्योंकि आप भी एक माध्यम हो, मैं भी एक माध्यम ही हूँ, मैं आप जैसा एक साधारण इंसान ही हूँ, हाँ, बट एनर्जी का लाभ है और एक माध्यम बन चुका, एक चैनल बन चुका हूँ, इसीलिए आप मुझे गुरु के हिसाब से मानते हो या गुरु हूँ। अगर आप मुझसे सीख तो आपका भी गुरु बनूंगा, बट गुरु होने के नाते भी मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, आपका सहपाठक हूँ, आपका को लर्नर हूँ, मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, ये मेरा अपना खुद का प्रिंसिपल है, और उस हिसाब से मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ। ग्रुप्स है सभी को, मैं जिस भी समय में मुझे समय मिलता है मैं मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि जो भी मैग्नेटिज्म है, जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म है, हालांकि इंडिया में और बाहर के देशों में जैसे नेपाल वगैरह में बहुत सारे लोग ये कोर्स करवाते हैं, बट मैं इतना बोलूंगा कि मेरा चैनल और मेरा जो ट्रेनिंग है वो टोटल डिफरेंट है, उसका मेरे अलावा दूसरा कोई आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार इल्मो गेंदम का कोर्स भी अगर कोई मुझसे करता है, उनको गाइडेंस मेरे अलावा दूसरा नहीं कर सकता। यही बोलूंगा कि आपको अगर मुझसे सीखना है तो आपको अपने गुरु पे विश्वास होना पड़ेगा, और उस विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ आप इस मिरेकल ज्ञान को सीख सकते हैं। तो इस स्पिरिचुअल और मिरेकल ज्ञान को सीखने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा नॉलेजेस है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, चाहे आप रेकी सीखे, कुंडलिनी रेकी सीखे, प्राणिक हीलिंग सीखे, या एंजल हीलिंग कोर्स करे, क्रिस्टल हीलिंग कोर्स करे, या मैग्नेटिज्म सीखे, गेंदम सीखे, हर चीज जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसको सीखकर खुद के और दूसरे का हम भला कर सकते हैं, और ये दूसरे के हेल्प के लिए ही कोर्सेस है। हालांकि कई लोग इसके कॉमर्शियलाइज्ड कर चुके हैं, बट कॉमर्शियल तो होना जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, आइए इल्मो गेंदम के कुछ कमाल को देखते हैं। एकदम सुन्न हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है माइंड, अचानक से उनको पूछो खड़े खड़े, अचानक से ब्लैंक हो जाए, कुछ नहीं है सब, ऐसा हो जाता है ना, माइक्रोसेकंड में तो क्या हुआ, कुछ नहीं, स्पिरिट डीप पर
गंदम पाव है। पावरफुल टेक्निक्स है लेकिन टेक्निक में कमी आ जाएगा, टेक्निक में अभी भी कमी है। आपको मैं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दोनों को एक बार खाली एक बार इसको करता हूं, आप देखो मान लेते हैं फिर से नहीं हां फिर से आप आपको करूंगा ये देखिए फिर उसको करूंगा आप देख लेना श्वास लो समझ गए ना 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 ना